हम लोग 526 करोड़ रुपए में ले रहे थे, आपने दरअसल इतने में खरीदा है, ये बताइए। कुछ नहीं बता रहे हैं, रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोल रही है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऊपर से जो फ्रेंच कंपनी जो सप्लाई करने वाली है सरकार, भारत सरकार के खजाने का 41,000 करोड़ जाया जा रहा है, क्योंकि चीन में अनिल अंबानी और उनकी कंपनी और उनको हटा करके शामिल हुए और पूरा चीन पूरा घोटाला अनिल अंबानी के लिए और इसलिए ये पूरा मोर्चा आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के एक कांग्रेस के कार्यकर्ता मेट्रो कड़े थोड़ा बताइए ना भाई, बताइए। नहीं, आज का जो मोर्चा था, आज का कांग्रेस का मोर्चा इसलिए था कि भारत सरकार ने जो राफेल डील किया है फ्रांस गवर्नमेंट के साथ, वो राफेल डील में बहुत से चीज़ें छुपा कर रखते हैं। इसका कारण एक है कि राफेल डील जब हम किया था तभी 526 करोड़ रुपया का एक राफेल लेने का मैं हम लोगों ने तय किया था और उसी तरह से हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब 3 साल के गवर्नमेंट ने क्या किया तो उसका एक कीमत 1670 करोड़ रुपया किया, कीमत बढ़ोतरी हो गया। हम लोगों ने यह तय किया था कि इंडिया की जो कंपनी है हिंदुस्तान, वो कंपनी के साथ उसका डील हो, पूरा उनको तंत्रज्ञान है वो हमारी कंपनी को बताएं, ताकि आगे हम खुद ही राफेल विमान बना सकते हैं। लेकिन अभी वो तंत्रज्ञान देने की कोई बात नहीं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट की जो कंपनी उसके साथ डील नहीं, ये एक प्राइवेट आदमी को जिनका नाम अनिल अंबानी है उसको दे दिया। अनिल अंबानी की कंपनी, उसको हवाई जहाज बनाने का कोई अनुभव नहीं, उसने 10 दिन पहले कंपनी रजिस्टर की और उनके साथ फ्रांस गवर्नमेंट डील करता है। ये किसी को भी जगता नहीं, ये सही सही गलत है। ये सब डील जो हुआ है उसके पीछे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी फ्रांस गए, ना किसी को पूछा, ना मिलिट्री के चीफ को पूछा, ना एयर मार्शल को पूछा, ना हवाई जहाज बनाने वाले कंपनी के जो तकनीकी काम करने वाले हैं उसको भी पूछा नहीं। इतना ही नहीं, जो उसका सहारा करती है संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन, उसको भी पूछा नहीं, सबको अंधेरे में रखा और इन्होंने डील किया। तो ये डील का सब जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के ऊपर है। नरेंद्र मोदी के ऊपर से देश के इतना नुकसान हो रहा है, ये कोई नरेंद्र मोदी का घर का काम नहीं, ये पैसा जो है देश का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है, भारत सरकार उसके लिए कंपनी है और ये सब छोड़ के करने का जरूरत क्या था? जरूरत ये था, उसमें नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला था और ये है उसको कि नरेंद्र मोदी जो है चौकीदार नहीं, वो भागीदार उसमें। ये भागीदार का निश्चित करने के लिए हम आज का दिन ये मोर्चा निकाला और अभी हर दिन उसका बुरका जो है वो निकालने का कोशिश करेंगे और इनकी गलत कि हम खाएगा नहीं और खाने नहीं दूंगा, अभी वो खुद ही खा रहे हैं, इसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मुंबई कांग्रेस के सभी दल यहाँ पे मौजूद हैं और हम महिलाएं आज मोदी से एक प्रश्न पूछते हैं कि ये जो रफाल घोटाला आपने लोगों के सामने लाया है, इसका आपको स्पष्टीकरण देना ही पड़ेगा। और मोदी जी आप डरिए मत, थोड़े समय में आपकी भी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, बीजेपी सरकार चली जाएगी और कांग्रेस को हम लाएंगे, बनाएंगे राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अपने नाम करो अजंता है वो प्रेसिडेंट मुंबई महिला कांग्रेस वो सरकार बदलनी है। हम आज यहाँ पे